मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो नाउ वी विल स्टार्ट। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली? ऑन पेज नंबर 89। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन? आप कैसा रिएक्ट करते हो अगर आपका पैर गलती से किसी कांटे पर पड़ जाए, कैसा रिएक्ट करते हो? तो स्टिमुली का मतलब क्या होता है? इमोशन या फिर उत्तेजना है। तो कैसा रिएक्ट करेंगे? वाइल वॉकिंग नंगे पैर चल रहे हो, आपका पैर कांटे पे पड़ जाए तो। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? अगर आप अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचते हो तो आप में क्या चेंज आते हैं? यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू अ ब्राइट सनलाइट। व्हाट हैपन अगर आप अंधेरे से एकदम उजाले में आते हो तो क्या होता है? योर आई शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू चेंज टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग। सो आपकी आँखें क्या होती हैं? अपने आप बंद हो जाती हैं जब तक कि वो अपने आप को एडजस्ट ना कर लें उस तेज रोशनी के लिए। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड अ थ्रोन। आपका फेवरेट फूड एकदम चमकती हुई लाइट और कांटा। इन द अबव सिचुएशन, उन सिचुएशंस में आर सब एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। एकदम से आपके सराउंडिंग में चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पोंड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। हम सब ऐसे जो इमीडिएट चेंज होते हैं उनमें अचानक से रिस्पोंड करते हैं। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पोंड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुली। तो आपने आसपास की सराउंडिंग में ऐसे चेंजेस जो हमें रिस्पोंड करने को मजबूर करते हैं, जिनके लिए हम रिस्पोंड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टिमुली। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पोंड टू स्टिमुली? क्या और एनिमल्स जो होते हैं वो भी स्टिमुली को रिस्पोंड करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का बिहेवियर आप ऑब्जर्व करो व्हेन द फूड इज सर्व टू देम, जब उनको खाना सर्व किया जाए तब। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो अपना फूड देखते हैं तो वो अचानक से बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। व्हेन यू मूव टूवर्ड अ बर्ड, जब आप एक बर्ड की तरफ बढ़ते हो आगे, व्हाट डज इट डू? तो ये क्या करती है? उड़ जाती है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड देम। जो जंगली जानवर होते हैं अगर आप उनकी तरफ एक ब्राइट लाइट को चमका दो तो वो भाग जाएंगे। अच्छी तरह से कॉकरोचेस बिगिन टू मूव देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। और उसी तरह से जो हमारी किचन में कॉकरोचेस होते हैं अगर आप अचानक से लाइट जला दो तो वो अपनी छुपने की जगह पर भागने लग जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल? क्या आप ऐसे और एग्जाम्पल भी दे सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो ऐसी सिचुएशन होती हैं, इमीडिएट सिचुएशन होती हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करने को मजबूर करती हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट्स जो होते हैं वो भी स्टिमुली को, उत्तेजनाओं को रिस्पॉन्ड करते हैं? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रात को बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मिमोसा, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। मिमोसा को क्या बोलते हैं प्लांट को? टच मी नॉट। वो क्या होता है? लीव्स क्लोज, उसकी जो लीव्स होती हैं मिमोसा की वो या तो बंद हो जाती हैं या फोल्ड हो जाती हैं। व्हेन समवन टचेस देम, जब कोई उनको छूता है तो या तो बंद हो जाती हैं या फिर फोल्ड हो जाती हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टूअर्ड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। ये रिस्पॉन्स होते हैं जो उनके आसपास के सराउंडिंग में चेंज होने में वो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उन चेंजेस को। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे। एक प्लांट आपको लगाना है एक रूम में विंडो से थोड़ा दूर, और उस विंडो से दिन के टाइम में सनलाइट आनी चाहिए। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। आपको कुछ दिन तक उस प्लांट में वाटरिंग करनी है, पानी देना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? क्या वो प्लांट सीधा ऊपर बढ़ेगा? नहीं। लाइक प्लांट, जैसा कि प्लांट्स आपके बाहर उगते हैं ऐसा ही उगेगा? नहीं। क्यों? वो किस डायरेक्शन में बेंड होगा? जिस डायरेक्शन में उसे सनलाइट मिल रही है।
इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा. डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, क्या ये भी कुछ कंडीशंस का रिस्पॉन्स हुआ है? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, तो जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है, ये प्लांट जो है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगा. तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब कि अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना. ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, सारी लिविंग थिंग हैं वो खाना खाते हैं. नॉट ऑल फूड दैट इज टेकन इज रियली यूज, तो जो खाते हैं उसका सारा, वो सारा का सारा फूड काम में नहीं लिया जाता है. ओनली अ पार्ट ऑफ इट यूटिलाइज बाय द बॉडी, इसका कुछ हिस्सा ही हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. वॉट हैपन टू द रेस्ट, तो जो बचा हुआ खाना जो यूज़ नहीं हुआ उसका क्या होता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव बाय द बॉडी एज वेस्ट इज, तो उसे हमारी बॉडी को बाहर निकालना पड़ता है वेस्ट के रूप में. अब अवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस, तो हमारी बॉडी और लाइफ प्रोसेस में भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्टेज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इज नोन एज एक्सक्रीशन, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपनी बॉडी के वेस्टेज को बाहर निकालना क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं. डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? यस दे डू. हाउएवर द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट, प्लांट का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. सम हार्मफुल और पॉइजनस मटीरियल डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट्स एज वेस्टेज, तो प्लांट्स में वेस्ट के रूप में कुछ हार्मफुल या फिर जहरीला मटीरियल बन जाते हैं. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन अ वे, तो कुछ प्लांट्स में तो ऐसी जगह होती हैं या फिर ऐसा तरीका होता है कुछ प्लांट्स में कि वो अपने ही किसी पार्ट में उन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, उन प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं. दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, जो उस प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट ना करें, हार्म ना करें और उन्हीं में स्टोर होके रह जाएं. सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सीक्रेशन, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीक्रेशन की मदद से अपने बॉडी वेस्ट को रिमूव कर देते हैं. एक्सक्रीशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, एक्सक्रीशन जो होता है ये भी लिविंग थिंग्स में कॉमन होता है. अब आता है डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने तरह के औरों को रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन, क्या आपने कभी पिजन या फिर और बर्ड्स का घोंसला देखा है? मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, तो जो बर्ड्स होते हैं ये घोंसलों में अपने अंडे देते हैं. सम ऑफ द एग्स मे हैच, कुछ एग्स जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दीज, और उनमें से बच्चे निकल जाते हैं. सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने ही तरीके के और रिप्रोड्यूस करते हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग होता है. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स तो एग्स की तरह से मतलब एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, जिसकी वजह जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ सीधा बच्चों को जन्म देते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स. प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन करने के. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो सीड्स की बीज की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स, प्लांट्स जो होते हैं उनमें बीज होते हैं, जो बीज क्या होते हैं फिर जर्मिनेट होते हैं और उन बीजों से नया पौधा बनता है. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बीज के अलावा भी किसी भी पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि अ पार्ट ऑफ पोटैटो, तो जो पोटैटो होता है विद अ बर्ड जिसमें कली होती हैं, ऊपर आपने देखा होगा पोटैटो को हम बहुत दिन तक रखते हैं तो उसमें उसमें उनकी बर्ड्स निकल आती हैं.
सो ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो बर्ड्स वाला जो पोटैटो होता है वो नया प्लांट बना सकता है, उसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग. जो प्लांट्स जो होते हैं वो कटिंग की मदद से भी रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और अ मेहंदी प्लांट. आपको रोज़ की या फिर मेहंदी के पौधे की एक टहनी काट लेनी है. फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली. आप उसको पानी में गाढ़ो और उसमें लगातार पानी डालो. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कुछ दिन बाद, इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग. तो प्लांट्स को कटिंग से उगाना ईजी नहीं होता है, बट डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू आर कटिंग डज नॉट ग्रो. तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं कर रही है. तो क्या 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 करना है आपको, टॉक टू अ गार्डनर, गार्डनर से बात करो. एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर पॉसिबल हो तो ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट. और जो कटिंग है उसकी हेल्प करो ग्रो करने में. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने ही तरीके के बनाती हैं रिप्रोडक्शन की मदद से. इट टेक प्लेस मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. अब ये बाकी का लास्ट जो पॉइंट है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.